हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम आईसीआर की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रही है, ये कैसे चेक करें ताकि इस बार हमें भी एक आइडिया लग जाए कि कौन सी रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल सकती है। साथ ही साथ यह भी चर्चा करेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स अपडेट करने की डेट क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, एनटीए ने एग्जाम 1 जुलाई 2019 को आईसीआर के एडमिशन के लिए लिया था। अभी यहाँ एनटीए की एग्जाम लेने के बाद में एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद एनटीए का रोल खत्म हो गया है और अभी आईसीआर की काउंसलिंग आईसीआर खुद अपने वेबसाइट icrexam.net पर करवाएगा। तो इसकी काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने ही वाली है, जैसे ही ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम आपको सूचित कर देंगे। लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको अभी 2 दिन का समय दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाइंग मार्क्स अपडेट नहीं किए हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है कि आपके 12th में जो परसेंटेज आई है वो आपने मार्क्स यहाँ अपडेट करना है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल का एग्जाम दिया है, उन्होंने प्रीवियस ईयर का एग्जाम के क्वालिफिकेशन मार्क्स साथ ही साथ फॉर्म में भरवाए गए थे। तो आप इसके एक बार वेबसाइट पर जाकर देख लें। इसमें वेबसाइट पर यहाँ नोटिस दिया गया है, रेड में यहाँ लिखा गया है कि 20 तारीख से 22 तारीख शाम 6 बजे तक आपको क्वालिफाइंग मार्क्स अपडेट करना है, अदरवाइज आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। ये नोटिस लिखा है इसकी साइट पर। क्वालिफाइंग मार्क अपडेट के लिए आपको एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन करके आप क्वालिफाइंग मार्क्स अपडेट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। इसके बाद में अगर आपको यहाँ कट ऑफ वगैरह देखनी है प्रीवियस ईयर की, आप ये देखना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन सी रैंक पर कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, तो यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू चेक प्रीवियस ईयर रैंक्स पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर, तो जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ टॉप की यूनिवर्सिटी दी गई है, इन पर आप क्लिक करके यहाँ कट ऑफ देख सकते हैं। अदरवाइज इसमें सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में यूजी पीजी कोर्स सेलेक्ट करके इसके बाद में आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस प्रकार से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद में आप इसमें कोर्स सेलेक्ट कर लें, इसके बाद में सेलेक्ट ईयर सेलेक्ट कर लें। इसमें 6 ईयर्स का कट ऑफ दिया गया है। अगर आपने 2018 का देखना है तो क्लिक हेयर फॉर ईयर 2008 कट ऑफ पर आपने क्लिक करके यहाँ 2018 का कट ऑफ देख सकते हैं। अदरवाइज प्रीवियस ईयर के और देखने हैं आपको तो सेलेक्ट ईयर पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो इसमें बाकी सारे 6 ईयर्स की कट ऑफ आ जाएगी, तो वो देख सकते हैं। सेलेक्ट कैटेगरी में यू आर ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी की आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्टेन रैंक अगर आपकी कौन सी आई है तो वो आप इसमें रैंक डाल दें। इसके बाद इंटर सिक्योरिटी कोड पर ये कोड डालने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि इस रैंक पर प्रीवियस ईयर में कौन सी कॉलेज मिली थी। तो इस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख सकते हैं और कौन सी रैंक पर कौन सी कॉलेज मिली थी ये चेक कर सकते हैं इसमें। तो जो दोस्तों, अगर आपने काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है तो आप इसी साइट पर विजिट करते रहें। icrexams.net पर ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम आपको सूचित कर देंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी थी क्वालिफाइंग मार्क्स अपडेट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कैसे चेक करें इसके बारे में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।